إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگو، الحمدللہ ہم سب ایک مرتبہ پھر آپ کی اس جامع مسجد میں، اس بابرکت محفل میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سب کا آنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأوا، سیدہ فاطمہ زہرا، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے. یہ مہینہ سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے عرس مبارک کا بابرکت مبارک مہینہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانی توجہ اور نگاہ فیض نصیب فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 کا حصہ تلاوت کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا. جہاد کی قسمیں دو ہیں، مال کے ساتھ اور جان کے ساتھ. فرمایا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جنہوں نے جہاد کیا اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. ان کی اللہ کی بارگاہ میں کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے؟ فرمایا اعظم درجتا عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کا درجہ سب سے اونچا ہے، یعنی نبیوں کے بعد. کیا بات، نبیوں کے بعد سب سے بلند رتبہ درجہ کن کا ہے؟ وہ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کیا. یہ معمولی نہیں، ان کی شان کیا ہے؟ اعظم درجتا عند اللہ، ان کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے اونچا ہے. ایک ہوتا ہے عظیم، عظیم کا معنی کیا ہے؟ عظمت والا، بڑی عظمت والا، بڑی شان والا. اور ایک ہوتا ہے اعظم، دوسروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ عظمت والا اعظم. ایک ہوتا ہے کبیر، کبیر کا معنی کیا ہے؟ بڑا یا بہت بڑا، بڑا. لیکن اکبر کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا. سرکار کے صحابہ جو مہاجر ہیں، صاحب ایمان ہو، مہاجر ہو، جہاد بالمال اور بالجان ہو،
करता। तो उसकी शान क्या है? आज़मु दरजतन इंदल्लाह, अल्लाह की बारगाह में उनका दर्जा सबसे ऊंचा है। इस आयत करीमा से इतना मालूम हुआ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा के दो ग्रुप हैं, एक अनसार और एक मुहाजिरीन। अनसार भी बड़ी शान वाले हैं, जितने भी अनसार हैं सब जन्नती हैं, जितने भी मुहाजिर हैं सब जन्नती हैं, लेकिन जो मुहाजिरीन सहाबा हैं इनका दर्जा अनसार सहाबा से ज्यादा है। इसको थोड़ा ऊंचा कर लें, आप थोड़े परेशान हो रहे हैं, ऊंचा कर लें, बात आई समझ? मुहाजिरीन का दर्जा अनसार से ज्यादा है। सारे सहाबा शान वाले, सारे सहाबा जन्नत वाले, सारे सहाबा। अच्छा ये बात याद रखें, खूने रसूल भी हो लेकिन अजमत तब मिलती है जब सहाबी हो। आज कुछ लोग ना कहते हैं जी सहाबा दर वाले और अहले बैत घर वाले, अल्फाज तो बज़ाहिर बड़े मीठे होते हैं लेकिन इन लफ्ज़ों में सरकार के सहाबा को इग्नोर किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। कहते हैं जी सहाबा तो दर वाले थे, अहले बैत घर वाले थे। और भाई सुन लो, कोई कितना ही नबी का करीबी अहले बैत क्यों ना हो, तब तक कोई वैल्यू नहीं जब तक सहाबी ना बने। समझ आई? अहले बैत की भी तौर इज्जत शान कब है? जब वो सहाबी बनेंगे। सहाबी ना बने तो खून रसूल होना उनको फायदा देगा? बोलो, सहाबी बनना पड़ेगा। निरा खून रसूल होना फायदा नहीं देगा, ठीक है ना? हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं कि नहीं? बेटा काफिर है, तो क्या उसको नबी की अहले बैत बनना फायदा देगा? नबी का बेटा होना, खूने रसूल होना उसको फायदा देगा? नहीं। कुरान में साफ है, इन्नहु लैसा मिन अहलिका, ए प्यारे नूह अलैहिस्सलाम ये आपकी अहल में से है ही नहीं, ठीक है ना? हालांकि सगा बेटा है, क्योंकि वो आपका सहाबी नहीं बना इसलिए उसको अहले बैत होने से फ़ायदा नहीं पहुंचा। तो भाई ये कहकर तकसीम डाल के कि सहाबा तो दर वाले होते हैं, बार वाले होते हैं, अहले बैत घर वाले होते हैं, लफ्ज़ अगरचे ठीक है, लफ्ज़ ठीक है, लेकिन जो मिर्च मसाला बनाकर तुम आवाम को देते हो वो गलत है। अहले बैत होना कब फ़ायदा देता है? जब वो सहाबी बनेंगे। सहाबी ना बने तो उनकी कोई वैल्यू? ये उन अहले बैत की बात कर रहा हूँ जिन्होंने ज़ाहरी हयात में सरकार को अपनी आँखों से देखा, ये उनकी बात कर रहा हूँ, बांध वालों की नहीं बात कर रहा, ठीक है ना? तवज्जो है। तो खैर, अनसार से मुहाजरीन का दर्जा ज़्यादा। अब मुहाजरीन में देखना है हमने कि ये खूबियाँ किसके अंदर सबसे ज़्यादा कामिल और अकमल तरीके से पाई जाती हैं। कौन कौन सी खूबियाँ? अल्लज़ीना आमनू, वो जो ईमान लाया, वहाजरू और हिजरत की, वजाहदू फी सबीलिल्लाही बिअम्वालिहिम व अन्फुसिहिम, और अल्लाह की राह में जिहाद किया अपने माल के साथ भी और अपनी जान के साथ भी। अब ये क्वालिटियाँ देखनी है कि मुहाजिरीन में से किसके अंदर सबसे ज़्यादा उत्तम और अच्छे तरीके से पाई जाती हैं। सारे सहाबा बड़ी शान वाले। सबसे पहले कौन सी क्वालिटी बयान हुई है? ईमान।
इसलिए कि बाकी सारी खूबियाँ तब कबूल होती हैं जब ईमान हो। ईमान ना हो तो कुछ भी कबूल नहीं होता, ठीक है ना। चाहे नमाजें पढ़ते रहो, चाहे एक आसमान में उसका नाम वली हो, दूसरे में उसका नाम अब्दाल हो, कहीं उसका नाम गौस हो, उस्ताद बन जाए फरिश्तों का, ईमान ना हो तो ये इबादतें फ़ायदा नहीं। तो पहले ईमान है, इसलिए फरमाया वो जो ईमान लाया। अब सरकार के सहाबा सारे जो ईमान वाले हैं माशाल्लाह, इनमें सबसे बेहतरीन ईमान हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। नंबर एक, हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले इस्लाम लाए हैं। क्या सबसे पहले इस्लाम लाए? किसी ने 6 माह के बाद कबूल किया, किसी ने साल के बाद, किसी ने 2 साल के बाद, किसी ने 5 साल के बाद, किसी ने 10 साल के बाद, किसी ने 18 साल के बाद कबूल किया। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक तो वो हैं, अभी सरकार ने ऐलान नबूवत नहीं किया था, पहले इंतज़ार में थे, क्योंकि उनको पता चला चल गया था कि रब के आखिरी महबूब, रब के आखिरी नबी नबी करीम अलैहि सलाम हैं। कब सरकार नबूवत का ऐलान फरमाए और मैं कलिमा पढ़ लूं, उनको इंतज़ार था। तो ईमान सबसे पहले कौन लाए? हजरत अबू बकर सिद्दीक। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने जिस बंदे पर भी ईमान पेश किया, इस्लाम पेश किया, उसने आगे से टाइम मांगा, मोहलत मांगी, यकदम घबरा गया, पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, सोचने का टाइम मांगा, बाद में बताऊंगा ये वो, लेकिन सरकार इरशाद फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक पर जैसे ही मैंने इस्लाम कबूल किया फौरन पेश किया, फौरन कबूल कर लिया। ये हुजूर फरमाते हैं इन्होंने आगे से कोई टाइम मोहलत नहीं मांगी, बगैर तामुल के सरकार का कलिमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ईमान में पहले भी हैं, और फिर सरकार ने खुद इनके ईमान की शान बयान कर दी कि बाकियों ने टाइम मांगा, मोहलत मांगा, कई कई साल हालात मौके महल को देखा, फिर ईमान लाए, लेकिन मेरा यार सिद्दीक वो है, इधर से मैंने दावत पेश की, उधर उन्होंने फौरन कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। सिद्दीक ता है जीशान रीसा कौन करे। हमारे नाथ खान, अल्लाह इन पर रहमत फरमाए, हम सुन्नियों के ऊपर अल्लाह का अजाब बन के मुसल्लत हो चुके हैं बहुत सारे। आज भी सिद्दीक अकबर के उर्स की महफिल थी, मैं गया, यकीन जाने टोटल उसने सिर्फ अली 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 अली, ये यार ये शियों की महफिल थोड़ी है, ये सरकार के सहाबा के गुलामों की और अहले बैत के गुलामों की महफिल है, लिहाजा जहाँ अहले बैत का जिक्र करना है सहाबा का जिक्र भी धूमधाम से करना है। तवज्जो है, क्या बात हो रही थी जी? पढ़ेंगे फिर। मैं ये कहना चाहता था कि गला मेरा नात खानों वाला नहीं है, लेकिन आप मिलकर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। सिद्दीक ता है जीशान रीसा कौन करे, है जान द जुमला जहान रीसा कौन करे, विच गार रले ते मजार रले, हर हाल च यार दे नाल रले, अजे पुछना है ईमान रीसा कौन करे। सिद्दीक ता है जीशान रीसा कौन करे। शायर कह रहा है कि
गार में भी हुजूर के साथ हैं, मज़ार में भी हुजूर के साथ हैं, तू अभी भी पूछता ईमान कि ईमान लाए थे या नहीं लाए थे हैं, तो पूछना है ईमान रिशा कौन करे। सुनिए, ईमान लाने में सबसे अफजल कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। फिर पता है, अच्छा आज मैं ये तीसरी तकरीर कर रहा हूँ, इस बात को मैं भी मानता हूँ और इमरान खान भी मानता है कि आज मैं तीसरी तकरीर कर रहा हूँ, मेरी बात का एतबार कर लेंगे आप? मसला समझाना है आपको। आज मैं तीसरी तकरीर कर रहा हूँ, करना पड़ेगा मतलब मजबूरी में ना, नहीं एक मसला समझाना है, एक मसला हाँ एक मसला समझाना चाहता हूँ, मसला समझाना चाहता हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं तीसरी तकरीर कर रहा हूँ, मुझे भी पता है, इमरान खान को भी पता है, मैं भी मानता हूँ, वो भी मानता है, ये बात मैं पूरे यकीन से नहीं कर सकता। क्यों? हो सकता है उसको मेरे नाम का भी ना पता हो, तो मेरे काम का क्या पता होगा, ठीक है ना? तो मैं पूरे यकीन से किसके बारे में कह सकता हूँ? तकरीर में मौजूद था, या तकरीर में मौजूद हो, या मुझे उस पर इतना एतमाद हो मैं अपनी ज़ुबान से जो भी निकालूं वो मान लेता हो, उसके बारे में मैं कह सकता हूँ, ऐसा है कि नहीं? यानी मुझे एक बंदे पर इतना यकीन है, इतना यकीन है कि मैं जो भी मुंह से निकालूंगा वो मान लेगा, उसके बारे में मैं आंखें बंद करके कह सकता हूं कि तीसरी तकरीर मैं कर रहा हूं, मुझे भी पता है, उसको भी पता है, उसको पता ना भी होगा लेकिन जब पता चलेगा कि मैंने कहा है तो वो कहेगा सही कहा, ऐसे ही ना? कौन कहेगा? जिस पर मुझे पूरा यकीन होगा उसके बारे में मैं कह सकता हूँ, ठीक है ना? अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अबू बकर सिद्दीक के ईमान पर कितना यकीन था, सुनिए बुखारी शरीफ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी बैल लेके जा रहा था, क्या बैल, उसने डंडा उठाया, बैल को मारना शुरू कर दिया। जब उस आदमी ने बैल को मारा तो उसने पीछे मुड़कर देखा बैल नहीं, तो कहने लगा लम नुखलक लिहाजा, अल्लाह ने हमें इसलिए तो नहीं बनाया ना कि तू हमें मारता रहे, तुझसे कुट खाते रहे, और अल्लाह ने मुझे इसलिए बनाया तू मेरे साथ ज़मीन में हल चला ले, मुझे ज़िबा करके गोश्त खा ले, मेरे ज़रिए कुएं से पानी निकाले, मेहनत मजदूरी के काम कर ले, मार खाने के लिए अल्लाह ने मुझे नहीं बनाया। सरकार ने फरमाया कि उस बैल ने आदमी से कलाम किया, तो साहबा ने कहा सुबहान अल्लाह, आका बैल बोलता है, सुबहान अल्लाह। फिर सरकार ने फरमाया कि एक भेड़िए ने एक बकरी उठाई, दौड़ने लगा, मालिक पहुंच गया, तो मालिक ने डंडा उठाया, दो चार लगाए, बकरी छुड़ा ली। अब भेड़िया टीले के ऊपर चढ़ गया और कहने लगा वे अल्लाह ने मुझे रिज्क दिया था, तूने छीन लिया, अच्छा नहीं किया। तो साहबा ने कहा का सुबहान अल्लाह, ये भेड़िया भी इंसानी बोली बोलता है, सुबहान अल्लाह। अब सरकार ने क्या इरशाद फरमाया? सुबहान अल्लाह। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरे साहबा, बैल इंसानों वाली बोली बोल सकता है, भेड़िया भी इंसानों वाली बोली बोल सकता है, उमिनु बिहादा अना व अबू बकर व उमर, फरमाया कोई माने या ना माने मैं मुस्तफा भी मानता हूँ, मेरा अबू बकर भी मानता है, मेरा उमर भी मानता है। हर सहाबी नबी।
جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی سبحان اللہ۔ یہ امام الانبیاء کا ارشاد ہے، فرمایا بیل انسانی بولی بول سکتا ہے، بھیڑیا بول سکتا ہے، فرمایا کوئی مانے یا نہ مانے میں بھی مانتا ہوں، ابو بکر اور عمر بھی مانتے ہیں۔ آیا آیا اور اگلے الفاظ سنو بخاری کے، جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا تو سرکار کی خدمت میں نہ حضرت ابو بکر تھے اس وقت، نہ حضرت عمر تھے، ان کی غیر موجودگی میں سرکار نے فرمایا کہ میں بھی مانتا ہوں، ابو بکر اور عمر بھی مانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ سرکار کو اپنے یاروں کے ایمان پر اتنا یقین تھا کہ میرے لبوں سے نکلے اور ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ انکار کر جائیں۔ آیا آیا اب آپ سوچئے، جس کے ایمان پر نبی پاک کو اتنا یقین ہو، کیوں اس کے ان کے علم میں بھی نہ ہو، موجود بھی نہ ہو، پیٹ پیچھے بات ہو، تو سرکار تصدیق کر رہے ہیں ابو بکر بھی مانتے ہیں، عمر بھی مانتے ہیں، ان کے ایمان کی کیا ہی بات ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ قرآن کریم نے بتا دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے منکر نہیں ہے، بلکہ سرکار کے تصدیق فرمانے والے ہیں۔ ارے مجھے بتاؤ، آج جو زبانیں چلاتے ہو کہ ابو بکر صدیق کا ایمان کہاں لکھا ہے، ثابت کرو وہ مومن تھے۔ ارے رب کا قرآن بتا رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق سرکار کے مصدق ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، جو بندہ سرکار کا مصدق ہوگا وہ ایمان والا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق کس کے مصدق ہیں؟ سرکار کے مصدق ہیں۔ مصدق مانا تصدیق کرنے والا۔ اس لیے تو حضرت علی فرماتے تھے اے لوگو، اللہ کی قسم اللہ نے صدیق کا نام صدیق آسمانوں سے خود نازل فرمایا ہے۔ یہ کس نے بیان کیا؟ باب مدینۃ العلم، انہوں نے بیان فرمایا۔ کیا مولا علی کا علم کچا تھا؟ بولیے تو یہ بات کچی ہے یا پکی؟ تو جس کے صادق صدیق اور مصدق ہونے کی قسمیں مولا علی بیان کریں، ابھی بھی ان کے ایمان میں شک ہے؟ توجہ ہے، سبحان اللہ۔ خیر، ایمان لانے میں حضرت ابو بکر سب سے افضل، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان پتہ کتنا وزنی ہے؟ سبحان اللہ۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان کو ساری زمین والوں کے اور سارے آسمان والوں کے ایمان کے برابر تولا جائے، ابو بکر صدیق اکیلے کا ایمان سب سے بھاری نکلے گا۔ اب بتاؤ ایمان میں کون افضل؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا ہجرت کی اور جہاد کیا، ایمان میں کون افضل؟ ابھی آپ کے ایمان پر اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں، میرے خیال اتنا کافی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اب آگے بات آ گئی ہجرت کی۔
सुभान अल्लाह। सरकार के हिजरत के साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो, किसी ने हिजरत की दिन को, किसी ने की रात को, किसी ने ऐलानिया की, किसी ने छुपके से की, किसी ने अकेले की, किसी ने दूसरे साथियों के साथ मिलके की, किसी ने कैसे की, किसी ने कैसे की। अबू बकर सिद्दीक आपकी अजमत पे कुर्बान जाऊं, आपने हिजरत की है तो अल्लाह के महबूब के साथ की है। हिजरत में सबसे अफजल अफजल सबसे अफजल हिजरत हजरत अबू बकर सिद्दीक की हुई ना, रब के महबूब का कुर्ब और एक अजीम खिदमत, वो खिदमत जिसके बारे में हजरत उमर कहा करते थे कि तमाम आले उमर की नेकियां भी जमा कर दी जाएं तो अबू बकर सिद्दीक की गार वाली नेकी को नहीं पहुंच सकते, उस नेकी को। अच्छा एक राफजी तकरीर कर रहा था, उसने कहा देखो हिजरत की रात आई, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना बिस्तर अबू बकर सिद्दीक को नहीं दिया, एतबार नहीं था, उमर को नहीं दिया एतबार नहीं था, उस्मान को नहीं दिया एतबार नहीं था, किसी और को नहीं दिया एतबार नहीं था, अमानतें भी अली को दी, बिस्तर भी अली को दिया, क्योंकि एतबार सिर्फ इन पर था। तो पता चला सबसे ऊंचा दर्जा अली ये मुर्तदा शेरे खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम का है। मैंने कहा ओ जालिम जरा संभल के बोल, बेशक मौला अली का दर्जा ऊंचा ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा, बहुत ज्यादा ऊंचा है उनका दर्जा मर्तबा, लेकिन जरा सोचो तो सही, जिसको बिस्तर मिला उनका दर्जा इतना ऊंचा है, तो जिनको बिस्तर वाला मिला तो तुम्हें वो नजर नहीं आते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हिजरत में सरकार को, सरकार सिद्दीक अकबर को क्या मिले हैं, सरकार सुभान अल्लाह। जिसको बिस्तर मिल गया उनकी शाम संवारी नहीं जाती, इतनी ऊंची शान है। तो जिसको खुद रब का महबूब बिस्तर वाला मिल गया, उस सिद्दीक की शान कौन बयान कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, सहाबिए नबी जन्नती, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना अब अगला दर्जा आ गया जी जिहाद का। जिहाद में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक, बिल माल में भी और बिल जान में भी, दोनों तरफ से सबसे। हो सकता है कोई हमारी बात ना माने, तो मैं मौला कायनात हजरत अली मुर्तजा का इरशाद पेश कर देता हूँ। कूफा की जामे मस्जिद थी, मौला अली खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। आपने खुतबा देते देते इरशाद फरमाया लोगों मुझे बताओ वो मोमिन आले फिरौन की शाम ज़्यादा है या सिद्दीक अकबर की शाम ज़्यादा है। ये किसने पूछा, मौला अली ने पूछा बताओ शाम किसकी ज़्यादा है। तो किसी ने कहा कि मोमिन आले फिरौन की बड़ी शान है, उनका जिक्र कुरान में आया पड़ा है, बड़ी शान है। तो हजरत अली ये मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया सुन लो अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी की एक नेकी ही उस बंदे की सारी जिंदगी से अफजल है। ये किसका इरशाद है, मौला
अली का रदी अल्लाह ताला अन्हु। फिर मौला अली ने और क्या फरमाया, फरमाया सुनो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक़्त सरकार का साथ दिया जब कोई साथ देने वाला नहीं था। अबू बकर सिद्दीक ने उस वक़्त हुजूर की खातिर मार खाई जब कोई सामने खड़ा होने वाला नहीं था। अब ये कोई मेजे मुझे बेअदब ना बनाए, मौला अली ने खुद इरशाद फरमाया कि हम अपने ईमान के इजहार से डरते थे लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक डरते नहीं थे, इलानिया तौर पर सरकार की गुलामी का दावा करते थे। और फिर मौला अली ने खुद इरशाद फरमाया, फरमाया कि सबसे पहले जिस बंदे ने इस्लाम की खातिर नबी पाक अलैहि सलाम की खातिर मार खाई है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। सबसे पहले जिहाद बिल जान बिल नफ्स किसने किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने। एक मरतबा नबी करीम अलैहि सलाम काफिरों को तबलीग फरमा रहे थे तो काफिरों ने आपको घेर लिया, तंग करना शुरू कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु रह ना सके, दौड़े दौड़े आ गए। आपने फरमाया अतक्तुलून रजुलन अन यकूल रब्बी अल्लाह, ओए तुम उसको मारना चाहते हो जो कहते हैं कि मेरा रब अल्लाह है, उनको तुम शहीद करना चाहते हो जो कहते हैं मेरा रब अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक के लबों से निकले हुए अल्फाज अल्लाह को इतने पसंद आए, अल्लाह ने कुरान के अंदर भी ये लफ्ज नाजिल फरमा दिए, अतक्तुलून रजुलन अन यकूल रब्बी अल्लाह। तो जो है तो उन्होंने सरकार को छोड़ दिया, आपको पकड़ लिया, मारना शुरू कर दिया, मार 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 आपका बुरा हाल कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु बेहोश हो गए। आपके ख़ानदान वाले आए, आपको बचाया, घर ले गए, कुछ मरहम पट्टी जो कुछ करना था वो किया। जब आपको होश आया, आंखें खुली, तो पहला सवाल किया सरकार कैसे हैं, सुभान अल्लाह, क्या पूछा सरकार कैसे, सरकार कैसे हैं। कहा कि सिद्दीक वो ठीक हैं, खैर से हैं। कहा नहीं नहीं मुझे ले चलो, कहा आप चल नहीं सकते, चोटें बहुत ज़्यादा हैं। फरमाया नहीं मुझे ले चलो, जब तक मैं अपनी आँखों से चेहरा बद्दुहा को देख नहीं लेता मुझे सुकून नहीं आएगा। तो अब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दो आदमियों के कंधों पर इस तरह से बाजू रखे और आपके पाँव ज़मीन पर घिसट रहे थे और लकीरें बन रही थी। इस तरह आपको सरकार की खिदमत में लाया गया। आकर देखा सरकार को तो आपके दिल को चैन आया कि जब सरकार ठीक हैं तो सब खैर है। तो ये देखिए इस्लाम की खातिर सबसे पहले मार किसने खाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने। इस मामले में भी आप सबसे पहले सबसे अफजल। जंगों का मामला आता था तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की हिफाजत पर कौन मामूर होते थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक होते थे। ये हयातुल कुलूब के अंदर एक इतनी लंबी जुबान वाले जानवर ने लिखा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर और हजरत आयशा और हजरत हफ्सा इन चारों ने मिलकर नबी करीम अलैहिस्सलाम को जहर देने की कोशिश की। मैं कहता हूँ जालिमों अगर ऐसी बात होती तो जंग में तो वैसे दुश्मन आसपास फिर रहे होते हैं तो उनके लिए तो बड़ा मौका था अगर ऐसा करना होता था, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक तो गार के अंदर भी जानवर ते नजर आते हैं, जंग के अंदर भी जान कुर्बान करते नजर आते हैं। बल्कि आपके बेटे ने एक मरतबा कहा अब्बा जी
लड़ते लड़ते आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे, चाहता तो कत्ल कर देता, बाप समझ के छोड़ दिया। फरमाया तूने बाप समझ के छोड़ दिया, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आता, बेटा समझ के ना छोड़ता, सरकार का दुश्मन समझ के तुम्हें कत्ल कर देता। तो ये हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, जंग के मौका पर सरकार की हिफाजत पर मामूर आप होते थे, बजाते खुद सरकार का ख्याल रखा करते थे। तो अगला दर्जा है जिहाद बिल माल। आपके पास जिस दिन आपने इस्लाम कबूल किया तकरीबन 40,000 दिरहम थे, तो उसी दिन सारे के सारे लाकर सरकार के कदमों पर कुर्बान कर दिए। ये तो पहला दिन है, आगे चलेंगे तो ऐसा वक्त भी है, सरकार ने फरमाया साहबा जंग पर जाना है, चंदा दो। साहबा इकराम ने अपनी अपनी बसात के मुताबिक चंदा जमा कराया। हजरत उमर सोचा करते थे कि हर मर्तबा अबू बकर सिद्दीक नंबर ले जाते हैं, लेकिन इस बार मैं उनसे ज़्यादा नंबर ले जाऊंगा। जल्दी से गए घर, टोटल माल उठाया, दो हिस्से किए, एक हिस्सा सरकार की खिदमत में लाकर पेश कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक उठे, घर का टोटल सामान, एक एक चीज, हत्ता के दीवारों के साथ में ऐसे हाथ मारते थे, कोई सुई वगैरह, कोई चीज, कोई धागा, कोई रह तो नहीं गया। घर की एक एक चीज लाकर सरकार की खिदमत में पेश कर दी। सरकार ने पूछा उमर घर को छोड़ा, अर्ज किया का आधा माल घर छोड़ के आया हूँ और आधा यहाँ लेकर आया हूँ। सरकार ने पूछा सिद्दीक अकबर से, ऐ अबू बकर घर के अंदर कुछ छोड़ा? अर्ज की या रसूलल्लाह घर के अंदर छोड़ के आया हूँ, घर के अंदर भी छोड़ के आया हूँ लेकिन आका माल नहीं, घर के अंदर मैं अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को छोड़ के आया हूँ। घर के अंदर कौन है? अल्लाह और उसके। अच्छा एक बात याद रखें, नबी के ऊपर लाजिम होता है अमर बिल मारूफ व नहि अनिल मुनकर, गलत बात से टोकना और सही बात का हुक्म देना, ये नबी पर वाजिब होता है, ज़रूरी होता है। और सरकार ने इसको जैसे निभाने का हक होता है ऐसे निभाकर भी दिखाया। छोटी छोटी बात भी अगर सरकार ने गलत होती देखी ना, सरकार ने टोका है। जैसे कि हजरत आयशा सिद्दीका की रुखसती हुई ना, तो दूध पेश किया गया, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दूध पिया, बाकी बचा हजरत आयशा सिद्दीका को पिलाया, फिर जो बाकी बचा उनकी सहेलियों से फरमाया कि तुम पी लो। उन्होंने कहा कि आका हमें तलब नहीं है। फरमाया ना, ये ना कहो कि तलब नहीं, क्योंकि तुम्हें तलब है, और तलब हो और बंदा कह दे तलब नहीं, ये झूठ है। फरमाया ये छोटा छोटा झूठ भी लिखा जाता है, लिहाजा ये ना कहो। तो इतनी सी बात पे भी सरकार खामोश नहीं रहे, गलती को दूर फरमा दिया, समझ गया ना। सरकार तशरीफ़ फरमा है और हुजूर की खिदमत में एक सहाबी आ रहे हैं और एक काफिर भी आ रहा है, तो पास बैठे एक सहाबी ने कहा आका फुलाना काफिर आ रहा है और फुला आपका गुलाम आ रहा है। पहले काफिर का नाम लिया, फिर सहाबी का नाम लिया, सरकार ने यहाँ पर भी टोक दिया और क्या फरमाया, अल इस्लामो याडू वला योड़ा कमा काल अलैहिस्सलाम। अगर गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। फरमाया कि इस्लाम ऊंचा होता है, नीचा नहीं होता, गालिब होता है, मगलूब नहीं होता, आगे होता है, पीछे नहीं होता। फरमाया तुमने पहले काफिर का नाम लिया, बाद में मेरे सहाबी का नाम लिया। फरमाया काफिर का नाम बाद में लेना था, मेरे गुलाम का नाम पहले लेना था। इतनी सी बात पर भी सरकार ने रोका, ठीक है ना, क्योंकि नबी पर लाजिम है। अगर ये अकीदा गलत होता कि नबी पाक अलैहिस्सलाम यहाँ भी हैं और सिद्दीक के घर में भी हैं,
अगर ये बात गलत होती तो सरकार रोक देते। सरकार का चुप रहना हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात की सदाकत और सच्चाई पर मोहर है कि मेरे यार जो तुमने कहा है ठीक कहा है, जिस्म के साथ मैं मुस्तफा यहां हूं और अपनी नबूवत और अपनी रहमत और अपने इल्म के साथ मैं तुम्हारे घर के अंदर भी जलवा जन्नती। इसी को हम अपने लफ्जों में हाजिर और नाजिर कहते हैं। मेरे दोस्तों, हाजिर नाजिर का मतलब ये नहीं होता कि सरकार का जिस्म मदीने में भी, मक्का में भी, ताइफ में भी, मुल्तान में भी, दुनियापुर में भी, लाहौर में भी, कनाडा में भी, अमेरिका में भी, हाजिर नाजिर का ये मतलब नहीं। हाजिर नाजिर का मतलब ये है कि सरकार अपने रोज़े में ज़िंदा जलवा फरमा है और उम्मत का एक एक अमल सरकार पर पेश हो रहा है। सरकार अपनी उम्मत के हर हर अमल को देख रहे हैं, अच्छे अमल देखकर खुश हो जाते हैं, बुरे अमल देखकर रहमत और बख्शिश की दुआ फरमा देते हैं। ये है हाजिर नाजिर का माना कि सरकार वहाँ बैठे हमारे हर हर अहवाल से बाखबर है, ये माना। और आसान कर लें तो ये, अल्लाह ने सूरज बनाए हैं दो, एक आसमान वाला एक नबूवत वाला। आसमान वाले सूरज का जिस्म कहाँ? वहाँ। लेकिन उसकी धूप कहाँ? यहाँ। जिस्म कहाँ? ऊपर। निगाह कहाँ? यहाँ। इसी तरह सरकार का जिस्म कहाँ? मदीना शरीफ गुंबद खजरा। जिस्म वहाँ, रहमत यहाँ, जिस्म नबुव्वत, जिस्म तवज्जो, जिस्म इल्मियत, जिस्म रूहानियत, जिस्म वहाँ, सरकार की निगाह यहाँ। इसको कहते हैं मसला हाजिर और नाजिर। लोग मुगालता डालते हैं और मैं बारहा कह चुका हूँ कि झूठे लोग सच बोलकर हमारा सामना कर ही नहीं सकते, हमेशा वो झूठ का सहारा लेते हैं। कहते हैं जी बरेलवियों का कीदा है नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने जिस्म के साथ हर जगह हैं। भाई जिस्म के साथ हर जगह हैं तो फिर हिजरत क्यों की? क्योंकि जिस्म उधर भी था उधर भी था। अब भाई तुम्हें किसने कह दिया कि जिस्म के साथ हर जगह है? जिस्म एक जगह। हाँ ये है, आसमान वाला सूरज जिस्म के साथ वही है, यहाँ नहीं आ सकता। लेकिन नबूवत वाला आफ्ताब जिस्म वहाँ, लेकिन जब चाहे जहाँ चाहे जिस्म के साथ भी आ सकते हैं। खैर, अब दोबारा आयत की तरफ आए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू हिजरत की और जिहाद किया। ईमान में कौन अफजल? हिजरत में, जिहाद में अबू बकर सिद्दीक। जिनका दर्जा सबसे ऊंचा है, उन सबसे ऊंचे दर्जे वालों में अबू बकर सिद्दीक सबसे अफजल हैं। ठीक है ना? आज़मु दरजतन इंदल्लाह। आगे फरमाया وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ यही लोग कामयाब हैं, यही लोग मुराद को पहुंचने वाले हैं, फला को पाने वाले। तो जिनको अल्लाह कामयाब फरमाए, कोई उनको नाकाम भी कहता रहे तो वो तो नाकाम नहीं हो सकते ना। जिनको अल्लाह कामयाब बनाए और कामयाब फरमाए। बस अब मैं गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ, सिर्फ एक बात की तरफ आपको थोड़ा सा
रेफर कर दूँ। आप लोगों को हो सकता है ये दलीलें याद ना रहें, आयत याद ना रहे, माना मतलब मफहूम याद ना रहे, दो तीन अकली बातें कर दूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए, याद भी रहें और समझा भी सकें। ये बताओ क्या नवाज शरीफ जो हैं उनका अगर कोई पोता पैदा हो, पड़पोता पैदा हो, नवासा पैदा हो, तो वो उसका नाम इमरान खान रखेंगे? क्या मिसाल है? क्यों नहीं रखेंगे? मुखालिफ है, मुखालिफ है। तो पता चला मुखालिफ के नाम पर बच्चों के नाम, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम पर मौला अली ने अपने बेटे का नाम रखा कि नहीं? अबू बकर के नाम पर भी रखा, उमर के नाम पर भी रखा, उस्मान के नाम पर भी नाम रखा। ये नाम रखना इस बात की दलील है, आज जो बक बक करते हैं कि लड़ाई थी मुखालफती, ये झूठे हैं, पीर अली सच्चे हैं। पीर अली ने अपने बेटों के नाम सरकार के सहाबा हजरत अबू बकर, उमर और उस्मान के नाम पर रखे हैं। समझे? अच्छा, अगर इमरान खान साहब से अगर कोई पूछे, जनाब आप ज़्यादा शरीफ आदमी हैं या नवाज शरीफ ज़्यादा शरीफ है, किसका नाम लेगा? अपने आप को कहेगा, क्योंकि वो तो उसका तो नारा यही था, चोर 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 चोर, गली गली में शोर है नवाज शरीफ। बेचारा ये नारे लगा लगा के ऊपर आया है। अब अगर कह दे कि नवाज शरीफ वाकई शरीफ है तो पिछली सारी तकरीरें झूठी होती हैं। तो जब पूछा जाएगा खान साहब आप शरीफ हैं या वो शरीफ है, तो किसका नाम लेगा? मैं शरीफ हूँ। उसको शरीफ नहीं, बेचारे को शरीफ होने के बावजूद भी शरीफ नहीं कहेगा हैं। लेकिन कभी सवाल मौला अली से भी हुआ था, सवाल भी आपके बेटे ने किया, अर्ज की अब्बा जी इस उम्मत में सबसे अफजल आप हैं? अब ये सवाल अगर इमरान खान से हो तो जवाब मैं, मौला अली से सवाल हुआ तो जवाब क्या दिया? फरमाया बेटे नहीं, अबू बकर सिद्दीक हैं। आए कौन है? हजरत अबू बकर। फिर आपके बेटे, बेटे का नाम है मोहम्मद बिन हनफिया। फिर अर्ज की सुम्मा अंता, अब्बा जी फिर तो आप हैं? फरमाया ना, उसके बाद उमरे फारूक हैं। आया दूसरा नंबर किसका है? ये कौन कह रहे हैं? मौला अली। फिर आपके बेटे कहते हैं कि मैंने तीसरी मर्तबा नहीं पूछा क्योंकि मुझे पक था, अब आप नाम लेंगे हजरत उस्मान गनी का, इसलिए मैंने नहीं पूछा। तो मालूम हुआ मौला अली ना सिर्फ इनकी शान और अजमत के कायल थे बल्कि अलल एलान कहा करते थे कि अबू बकर भी मुझसे ज़्यादा शान वाले हैं, उमर और उस्मान भी मुझसे ज़्यादा शान वाले हैं। तवज्जो है। फिर एक और बात, यहाँ कोई ट्राली जा रही हो जिसके अंदर गन्ने हो, गन्ने समझते हैं, तो मैं पीछे से भी सवाल लाज, तो ट्राली में से एक गन्ना खींच लो, तो मेरा कोई मुक्तदी देख ले कि कारी साहब ने ट्राली में से गन्ना निकाल लिया, तो वो मेरे पीछे नमाज पढ़ेगा? नहीं, नहीं पढ़ेगा। इधर ये तो चोर है, चोर के पीछे क्यों पड़े? ऐसे ना, यहाँ तकरीर करके मैंने जाना है दुनिया पर, तो रास्ते में बाघ भी आते हैं, माल्टे भी हैं, मैं आसपास देखूं कोई नहीं देख रहा, कुछ माल्टे तोड़ दूं, तो मेरा नमाजी कोई देख ले तो वो नमाज पढ़ेगा मेरे पीछे? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। क्यों? चोर चोर है, चोर
चोर के पीछे नमाज नहीं होती। अच्छा जी, अच्छा अब आप एक सवाल का जवाब दें। एक है अमल की कमज़ोरी और एक है ईमान की कमज़ोरी, बड़ी कमज़ोरी कौन सी है? ईमान की। अब शिया कहते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक काफिर हैं, नऊज़ बिल्लाह। या अल्लाह जिस जिस ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकले हैं उस ज़ुबान को फना फिन नार कर दे, आमीन कर। तो सरकारे सिद्दीक़ अकबर को नऊज़ बिल्लाह वो मुसलमान नहीं कहते, इनकार करते हैं। हज़रत उमर को मुसलमान नहीं मानते, हज़रत उस्मान को मुसलमान नहीं मानते, और इसी तरह अमल की कमज़ोरी भी मानते हैं। कहते हैं जी हक मारा, किसी का हक मारना ये ईमानी कमज़ोरी है या अमली? अमली। फिर ये भी कहते हैं कि इन्होंने मिलकर घर को आग लगाई, ये कमज़ोरी कौन सी है? अमली। यानी अमली और ईमानी दोनों कमज़ोरियाँ इनके नज़दीक सरकार के खुलफा के अंदर पाई जाती हैं, इनके नज़दीक। अब मैं पूछता हूँ कि 1400 साल के बाद आने वाले मुसलमान ये तो इतनी गैरत रखते हैं कि जो मौलवी गन्ना चोरी करे नमाज नहीं पढ़नी, जो मौलवी माल्टा चोरी कर ले नमाज नहीं पढ़नी, जो मौलवी सिगरेट पी ले उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते लोग, भाई सिगरेट पीता है, अपने मसले भी बनाए होते हैं ना। फिर तो ये 1400 साल बाद आने वाला एक सादा सा मुसलमान जो शेरे खुदा नहीं है, शेरे खुदा जो मुश्किल कुशा, जो वलियों का इमाम, जन्नती शहजादों का बाप भी नहीं है, ये तो एक सादा सा मुसलमान है, अनपढ़ भी है बेचारा, दीन से कोरा है, लेकिन अपने ईमान के इमाम के बारे में इतनी परख और गैरत ज़रूर रखता है कि ईमान अगरचे ठीक हो अमल के अंदर कमज़ोरी आ जाए, गन्ना चोरी करे उसके पीछे नमाज नहीं पढ़नी। ओ हज़रत अबू बकर सिद्दीक के शान के बारे में बक बक करने वाले, मुझे बताओ आज का मुसलमान इतना गैरतमंद है कि वो चोरी करने वाले इमाम के पीछे, जिसके अंदर ईमान तो हो अमली कमजोरी हो इमाम नहीं मानता। जब ये इतने गैरत वाले हैं तो पीर अली कितने गैरत वाले होंगे, मौला अली कितने गैरत वाले होंगे। और खुदा की कसम अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक के अंदर अगर ईमान की कमजोरी होती, अमल की कमजोरी होती, मौला अली बेशक दुनिया से चले जाते, शहीद हो जाते, लेकिन कभी भी मौला अली इनके पीछे नमाज ना पढ़ते। मौला अली ने नमाज पढ़ के बता दिया कि बकने वाले झूठे हैं, अली भी सच्चे हैं, उस्मान भी सच्चे हैं, उमर भी सच्चे हैं, सिद्दीक अकबर भी सच्चे हैं। ये देखो ना यार, आज का मुसलमान इतना गैरतमंद है जिसके अंदर अमल की कमजोरी हो नमाज नहीं पढ़ता, अगर उनके अंदर ईमान और अमल की दोनों कमजोरियां थीं मौला अली फिर भी पढ़ते रहे। इसका मतलब है आज के बंदे मौला अली से ज्यादा समझदार हैं या ये ज्यादा गैरत वाले हैं? ना कोई मौला अली की समझ का मुकाबला कर सकता है, ना कोई उनके बराबर की गैरत रखता है। और मौला अली ने नमाजें पढ़ी हैं 2.25 साल सिद्दीक अकबर के पीछे, 12 साल उस्मान गनी के पीछे, 10 साल फारूक आजम के पीछे। जिस सिद्दीक को, जिस फारूक को, जिस उस्मान को मौला अली ने इमाम मान लिया है ना, अगर उनको पीठ करके मौला अली को खुश करोगे, खुदा की कसम मौला अली कभी भी खुश नहीं हो सकते। मौला अली उसी से खुश होंगे जिसके दिल में इन तीनों का प्यार होगा। तो जो है एक हो सकता है कोई कहे नहीं जी, जिस तरह ये कह देते हैं, एक जाकिर को किसी ने पर्ची लिखी,
तो जनाब जी आप कहते हैं कि मौला अली का हक मारा गया, सैयदा ज़ारा का हक मारा गया, मौला अली का बेटा हज़रत उमर ने शहीद कर दिया, घर को आग लगा दी, यहाँ से पकड़ के घसीटा मौला अली को, आप जो इतनी बातें करते हैं तो मौला अली चुप क्यों रह गए? कहते हैं एक पासे अली कल्ला, क्या कह रहे हैं, एक पासे अली कल्ला तो दूजे पासे अबू बकर उमर उस्मान, अकेला अली सब का मुकाबला कैसे कर सकता? मैंने कहा वाह जी वाह, आज पता चल गया कि तुम मौला अली को कितना का पावरफुल मानते हो। मैं कहता हूं हक हो मौला अली का, पूरी रूए जमीन वाले मौला अली का हक दबाने पर जमा हो जाएं, खुदा की कसम मौला अली को झुका नहीं सकते। मौला अली को अल्लाह ने ऐसी शान ताकतें पावर अता फरमाई हैं। तो ये झूठ बोलते हैं, ये जो कहते हैं ना कि मौला अली इस वजह से चुप रहे, दबाव की वजह से चुप रहे, ये मामला ये बकवास से कर रहे हैं। ये मौला अली को शेर खुदा नहीं मानते, नहीं मानते, ये मौला अली को शेर नहीं मानते, ये मौला अली की तोहीन कर रहे हैं, ये मौला अली की गुस्ताखी करते हैं, ये कहकर कि मौला अली डरते थे और तुमने पीर अली की शान को समझा ही नहीं। वो कोई सर्कस वाले शेर नहीं है, वो शेर खुदा है। उनको अल्लाह ने बड़ी जुर्रत पावर ताकत बहादुरी अता फरमाई थी। मौला अली के मुकाबले में अगर खैबर का मरहब आ जाए वो पास पास हो जाता है, अगर किसी ने मौला अली के घर को लूटा होता तो क्या ख्याल है तुमने मौला अली को क्या समझ रखा है? वो क्या शेरे खुदा नहीं थे? कुछ और समझा हुआ तुमने? अगर ऐसा होता तो मौला अली आगे से चुप ना रहते, बल्कि मौला अली ने खुद अपनी बेटी का निकाह हजरत उमर फारूक से पढ़ाया। सुभान अल्लाह। और कभी कातिल को कोई रिश्ता देता है? बोलो नहीं, नहीं देते। तो मौला अली ने रिश्ता दिया कि नहीं? अपनी बेटी का निकाह किससे किया? हजरत उमर फारूक से। तो ये रिश्ता देना किस बात की दलील है कि कोई झगड़ा, कोई लड़ाई फसाद है? ये नमाज पढ़ना किस बात की दलील है कि उनके मजहब में अबू बकर सिद्दीक साहिब ईमान है, उनकी खिलाफत भी हक है, इसलिए पीछे नमाजें पढ़ रहे हैं। अगर ऐसी बात होती तो मौला अली पीछे नमाजें बोलिए ना पढ़ते। अच्छा, अपने बेटों के नाम उनके नाम पर रखना किस बात की दलील है? मोहब्बत की दलील है। और फिर ये फरमाना कि जो बंदा मैं अली को अबू बकर और उमर से अफजल कहेगा मैं उसको 80 कोड़े मारूंगा, ये किस बात की दलील है यार? क्या ये लड़ाई की दलील है? क्या आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे? सारा कुछ झूठ है, ड्रामा कर रहे हैं कौम के सामने। कुरान कहता है सरकार के सहाबा आपस में ऐसे हैं, मेहरबान हैं, आपस में भाई भाई हैं, ठीक है ना, शीर व शक्कर हैं, कोई आपस में लड़ाई नहीं है। किरने एक ही मशाल की, बू बकर उमर उस्मान अली, मशाल हैं सरकार समझाने के लिए, और ये 1,25,000 साहबा उस मशाल की किरने हैं। हैं किरने एक ही मशाल की, बू बकर उमर उस्मान अली, बू बकर उमर हम मसलक हैं या फिर हम सोहबत हैं, यारान नबी कुछ फर्क नहीं इन चारों में। फर्क बामाना लड़ाई, इनके अंदर कोई लड़ाई नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं।